नमस्कार दोस्तों, व्याख्याता के 11,000 पद खाली क्या है, पूरी अपडेट आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको यहां पर मिलती है। साथ ही साथ आपके लिए क्लासेज मिलती है, तो यानी फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड के लिए चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और ये जब तक आपकी परीक्षाएं नहीं होगी, आगे भी हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना, वहां पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, व्याख्याता के 11,000 पद खाली, अगले महीने 6,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। क्या है संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। नए साल में राज्य के 12वीं तक के स्कूलों को 26 विभिन्न विषयों के 6,000 व्याख्याताओं मिलेंगे। वर्तमान में राज्य के 16,000 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में व्याख्याताओं के 11,000 पद रिक्त चल रहे हैं। इनमें से देखिए, जो 50 पद सीधी भर्ती द्वारा ये जो रिक्त पद हैं वो भराए जाएंगे, के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 का टाइम शेड्यूल जारी कर दिया है। इस पर मैं वीडियो भी पहले बना चुका हूँ। 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक आपके फर्स्ट ग्रेड की परीक्षाएं चलने वाली हैं। परीक्षा 5 ग्रुपों में होगी। आयोग ने परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम विभागीय वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया है। बीकानेर सहित अजमेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर व बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर यह परीक्षा आयोजित होगी। व्याख्याता पदों पर लगने के लिए अभ्यर्थियों को 2 पेपर हल करने होते हैं, तो जो नॉर्मल बातें हैं। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित होगी। पहली पारी में जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडी का पेपर होगा, जो सभी के लिए फर्स्ट पेपर कॉमन होने वाला है। सुबह 9 से 10:30 बजे तक होगा, जबकि विषय से संबंधित सेकंड पेपर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। यानी कई जो पेपर हैं उनके एक साथ ही एक दिन के अंदर ही दोनों पेपर आयोजित होने वाले हैं, जैसे मैथ्स का, एग्रीकल्चर का। तो जो शेड्यूल है आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ये दोस्तों अपडेट है, 11,000 पद रिक्त चल रहे हैं, 6,000 की वैकेताओं की परीक्षा होने वाली है, और आने वाले समय में भी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी अब और घोषणा की जा सकती है, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज के स्टूडियो में इतना ही। धन्यवाद।